वाले भी बहुत खुश हैं। आज ऐतिहासिक दिन भी है, लगभग 150 इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली की सड़कों पर उतरी हैं, जिसका अभी अभी हम सब लोगों ने उद्घाटन भी किया, उसमें एक छोटी सी राइड भी ली, मैंने भी ली, सब मीडिया वालों ने भी ली। और बहुत ही खूबसूरत बसें हैं, बहुत शानदार बसें हैं, बहुत कंफर्टेबल बसें हैं। अंदर जब अभी बैठे, जिस बस में मैं बैठा था उसमें काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मीडिया वाले लोग थे, उसके बावजूद भी एसी बड़ा अच्छा चल रहा था। मैं पहले जब आंदोलन किया करता था तब काफ़ी बसों में घूमा करते थे, तो कभी भाई एसी जो है वो बड़ा धीमा होता था, तो कहने को तो एसी होती थी लेकिन गर्मी बड़ी होती थी, इनमें बड़ा स्ट्रांग एसी है। तो जैसे घर में कोई नई चीज़ आती है तो बड़ा शौक होता है कि उसको, टीवी आता है तो टीवी खूब देखते हैं, फ्रिज आता है तो फ्रिज बड़ा, ऐसे दिल्ली के लोगों की आज बसें आई हैं, आप ही की बसें हैं, दिल्ली के लोगों की बसें हैं, तो इसको अगले 3 दिन हमने फ्री कर दिया है सबके लिए, तो आप लोग इसको खूब घूमें फिरें, आप ही की बसें हैं, संभाल के रखें, खराब ना करें, सीटें गंदगी ना करें अंदर, लेकिन इसका खूब इस्तेमाल करें, एक राइड जॉय राइड लेके देखें। और मुझे लगता है कि इससे एक शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है दिल्ली के अंदर, जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, कई कारण है पोल्यूशन के, तो अब बसें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें अगर होती जाएंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा, उस दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। आज 150 बसें आई हैं, एक महीने बाद 150 बसें और आ रही हैं, तो लगभग 300 बसेस हो जाएंगी। हमारा टारगेट कि एक साल के अंदर लगभग 2000 के करीब बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो 300 बसेस हैं, 150 आ जाएंगे, 150 एक महीने बाद आएंगी, इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है, इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं, केंद्र सरकार का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज 3 इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज का भी उद्घाटन किया गया है, उसका खर्चा लगभग 150 करोड़ के करीब आया है, और अभी और बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे अगर बसें आएंगी तो बहुत सारे डिपोज की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी सारे बनाए जा रहे हैं। तो फिर से मैं एक बार दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ बहुत बहुत। और कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग जो जो अगले 3-4 दिन बसों में जाएं, वो 30 जून तक जब भी जाएं, एक सेल्फी बस के अंदर लेके और उसको पोस्ट कर दें, क्या हैशटैग? आई राइड ई बस। मैं भी अभी थोड़ी देर में करूंगा। जो एसी बसेस का किराया वही होगा और सारे महिलाओं के लिए फ्री होगा। मैं इसको चेक कराता हूँ। 300 बसों के लिए अगले 10 साल का क्यूमुलेटिव है, इसमें ओपेक्स और कैपेक्स दोनों इन्वॉल्व है, टोटल एक्सपेंडिचर ओपेक्स प्लस कैपेक्स, उसके अलावा 150 करोड़ दे रही है, तो टोटल खर्चा 2000 करोड़ हो गया, उसमें से 150 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है, 1862 हमारा। लेकिन सर बीजेपी तो एक कह रही है कि हमारा पूरा खर्चा है और सारा क्रेडिट उनको, दिल्ली में अच्छा काम होना चाहिए बस। इस तरह का तो असेसमेंट अभी नहीं है, है इनके पास है। अभी महिलाओं के लिए रहने दीजिए। ग्यारह हजार बताया जाता है। अब आज के बाद हमारे पास 7200 के करीब बसेस हो गई हैं। आज तक दिल्ली के इतिहास में ये सबसे ज्यादा बसेस हैं, इतनी बसेस दिल्ली की सड़कों पे कभी नहीं थी, और भी बहुत सारी बसेस आ रही हैं, जैसे मैंने बताया कि अगले एक साल के अंदर लगभग 2000 और बसेस आएंगी। हमने ये भी निर्णय लिया है, हो सकता है बीच में 600-700 हम CNG की बसेस खरीदेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में
इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर हो नहीं रही हैं, लेकिन अब इन प्रिंसिपल जितनी और बसेस आया करेंगी वो सारी अब इलेक्ट्रिक होंगी, और हमारा मकसद होगा धीरे 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 करके सारे दिल्ली के बेड़े को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाए। मुंबई में भी इसकी शुरुआत हो रही है सर। बहुत अच्छी बात है, सारे देश में होनी चाहिए, अच्छी बात है। सर एक सवाल इससे अलग है, नए एलजी साहब आए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उनको पूरी तरह से उनके साथ मिलके, जैसे बैजल साहब के साथ भी हम लोगों ने मिलके दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली सरकार ने और बैजल साहब ने मिलके, ऐसे ही नए एलजी साहब के साथ भी उनका हम स्वागत करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और उनके साथ भी मिलके दिल्ली को और आगे ले जाएंगे। कोई राजनीति नहीं।